गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ राखी आउटफिट्स, ज्वेलरीज, मेकअप। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें और सारे बालों को पीछे की तरफ लेके हेयर बैंड लगा लें। और इसके बाद फेस पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ रोज़ ग्लो टोनर। ये है गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर और ये हमारे डर्ट्स को रिमूव करता है और पोर्स को क्लॉग करता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा खुजा स्किन क्लेरिफाइंग फेस सीरम। ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये सीरम। इससे आपके जितने भी पोर्स हैं वो अनक्लॉक्ड हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, प्रिवेंट करता है। और इसके बाद मैंने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया मिस क्लेयर से। और नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। और ये है एलोवेरा जेल गुड वाइब्स का, बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है, अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट एलोवेरा है ये। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसे आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये हमारे एक्ने को दूर करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, ग्लोइंग बनाता है और ड्राई स्किन के लिए तो हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी एंगुलर ब्रश लेके। और वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट ली है मैंने, इसमें से मैं ब्राउन कलर की शेड ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो टेक्स्चर है और कलर है मेरे बालों का वो हल्का ब्राउन है। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ना लें, जो कलर है आपके आईब्रो का वही कलर लें। तो यहाँ मैंने ब्राउन लिया है और इससे ही मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आईब्रो फिल किया है, बहुत ही पेशेंटली आपको फिल करना है आईब्रो, क्योंकि मेकअप में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है आपका आईब्रो और आई शेडो। अगर ये दोनों अगर अच्छा नहीं हुआ तो ख़राब हो सकता है आपका मेकअप। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर और ये मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए। प्लस जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, ऐसे फील हो रहा है कि आपको डार्क स्पॉट्स कवर करना चाहिए, तो आप ज़रूर कंसीलर यूज़ कीजिए या फिर ऑरेंज करेक्टर यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे कंसीलर मैंने जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स था वहाँ पे यूज़ किया है और हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग के लिए या तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हाथों से ही डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना है। अब आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे अगेन वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो ली है और इसमें मैंने पिंक कलर की शेड ली है। अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ब्रश के ऊपर, ब्रश आपका अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, उस टाइप का ही ब्रश लें, कोई भी नॉर्मल ब्रश ना लें क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर की आई शेडो को पहले डिपॉजिट करके फिर मैंने इसे ब्लेंड किया है। तो अब ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रश भी लिया है और सेम एंगुलर ब्रश से मैं यहाँ पे जो आईब्रोज़ का एरिया है उसे हाईलाइट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन या फिर कंसीलर। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लेके ब्रो लाइंस को डिफ़ाइन किया है और अब मैं सेम वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो से ब्राउन कलर की शेड ले रही हूँ और ऊपर की जो क्रीज लाइन है उस पर मैं हल्के से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और उसी लाइन को मैं स्मज कर रही हूँ। तो आप जब भी आई शेडो करें तो ध्यान रहे कि कोई लाइन विजिबल ना हो। अब विजिबल कैसे नहीं होगा, जब आप उसे प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे, तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ये ध्यान रहे। अब मेरा जो आईबॉल एरिया है उसे मुझे हाईलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ गोल्डन कलर। तो यहाँ मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ एज अ बेस आप या फिर हाईलाइट समझ सकते हैं, या फिर आप इसे बेस में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर लिया है और उसे मैंने अपने आईबॉल एरिया पे लगाया और प्रॉपरली ब्लेंड किया है। अब मेरी एक आईज़ कंप्लीट है, दूसरी आईज़ को भी मैं सेम तरीक़ों से यूज़ कर रही हूँ। आपको हाईलाइट के लिए क्रीज लाइन पे डार्क शेड लेना है, आईबॉल एरिया पे आप कोई भी डिफरेंट कलर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ गोल्डन कलर लिया है। अब आपको एक नॉर्मल ब्रश से दोनों आई शेडो जो है उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है, दोनों कलर को मिक्स करना है। अब मेरा आई शेडो कम्प्लीट है, मैं आईलाइनर के लिए यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ लैकमे एब्सोल्यूट का। ये मेरा फेवरेट है अभी तक का और इससे अलावा मैंने जितने भी ट्राई किए हैं वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो अभी तक का ये मेरा फेवरेट है और विंग लाइनर मैं ट्राई हमेशा करती हूँ बट मैं नहीं बना पाती हूँ। सो आईलाइनर मेरा रेडी है और इसके बाद अब मैं बेस के लिए ले रही हूँ
मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, शेड नंबर है 128, और इसे भी मैं अपने उंगलियों से ही ब्लेंड करूँगी। आप स्पॉन्ज से ब्लेंड कर सकते हैं, आप ब्रश से कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे उंगलियों से ही बहुत अच्छे से हो जाता है। अब इसे कवर करने के लिए, आपको पैक करने के लिए यहाँ पे मैं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, और कॉम्पैक्ट को मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो पैक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बेस रेडी करना है, और कंसीलर तो पहले ही लगा लिया था। सो अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, ये है मेबलिन कोलोसल मस्कारा, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत जल्दी सूख जाता है और बिल्कुल भी कवरेज नहीं है इसकी। अब मैं लास्ट में ब्लश यूज़ कर रही हूँ एलए कलर का, और मिक्स कलर लिया है मैंने गोल्डन एंड पिंक। बहुत ज़्यादा पिंक नहीं ले रही हूँ, वरना वो फेस एकदम पिंकी पिंकी लगेगा और आउटफिट भी पिंक है, तो यहाँ पे मैं मिक्स कलर ले रही। अब मेरा आईलाइनर सूख चुका है, आई शेडो को कंप्लीट करने के लिए मैंने सेम एंगुलर ब्रश लिया है, और पिंक कलर की जो शेड थी उसे मैं लोअर लैश लाइन पे लगा के अपना आई शेडो कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी आई शेडो जो है वो इनकम्प्लीट लगेगी। और इस तरह से मैं कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ काजल। काजल मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं कर रही हूँ, एकदम सिंपल सी एक सिंगल लाइन में काजल लगा रही। ज़रूर दूंगी, जब भी आप बोल्ड आईलाइनर लगाएं, एकदम मोटा आईलाइनर लगाएं, तो काजल हमेशा पतला लगाएं, तो इससे आपकी जो आई का लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। अब मैं लगा रही हूँ मेबलिन मास्टर स्टूडियो हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्लश में काफ़ी शाइनिंग है, तो हाइलाइटर मैं एकदम नोज़ के टिप में एंड प्लस चिक्स में थोड़ा सा लगाया है, और फिर से मैंने ब्लश लिया है ओमरे शेड्स में, और फिर से मैं इसे टचअप दे रही हूँ, और मेरा बेस मेकअप जो है वो पूरी तरह से रेडी है। अब मैं इसे फिक्स कर लूँगी सेटिंग स्प्रे से, यह है वेट एंड वाइल्ड की मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो बहुत ही अच्छी है। बस अब लिपस्टिक बाकी है, जिसके लिए मैंने अपनी आउटफिट चेंज कर ली है, और ये है मिनी लिपस्टिक स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है, पिंक कलर की शेड में मैं ले रही हूँ। इसकी मैंने सेपरेट रिव्यू वीडियो की है, ज़रूर देखिएगा, और इस वक्त नायका पे सेल चल रहे हैं। तो इसके साथ मैंने ये स्टेक वर्क की छोटा सा मिनी लिपस्टिक में मैंने ब्राउन कलर की शेड लगाई है। तो मेरा फुल गेटअप रेडी है, ईयर रिंग्स, हेयर स्टाइल मैंने ज़्यादा नहीं किया है, बैंगल्स और आउटफिट्स वगैरह सब रेडी है। ये है मेरा फाइनल लुक। तो इस तरह का सिंपल लुक आप भी क्रिएट कीजिए इस रक्षाबंधन, और ये जो लुक मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैरिड के लिए भी बहुत ही अच्छा है, प्लस जो सिंगल्स हैं वो भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। और इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है टिकली के साथ। तो ये है मेरा फाइनल इंडियन एथनिक लुक, और बहुत ही सिंपल प्लस ग्लैम भी है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो नए हैं अगर आप मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया था, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।